वेलकम बैक व्यूवर्स, पीएचपी के ट्रेनिंग में हम इस वीडियो में पीएचपी एरर्स को डिस्कस करेंगे, इसको सीखेंगे। पीएचपी में एरर्स भी आते हैं, लाजमी बात है। बहुत सारे अभी एरर्स हमने ब्राउज़र पे देखे हैं इस कोर्स के दौरान, जो काफ़ी सारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, अक्सर एरर्स आ जाते थे। तो इस तरह के एरर्स आप कस्टम भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एरर आ रहा होता है वो बड़ा थोड़ा सा ख़तरनाक सा नज़र आ रहा होता है, तो उसको आप चेंज करके अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, मैं ज़रा सा एक सेव इस करके एक फ़ाइल बनाता हूँ errors.php के नाम से। इसका मैंने डुप्लिकेट बनाया और ये फाइल माइल को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ पर अपनी php के टेस्ट नाम के जो हमारा फोल्डर है, उसमें ये आ गया होगा errors.php, ठीक है जी। हम आते हैं यहाँ पर, लिखते हैं कि एरर्स, मिसाल के तौर पे एक हमने यूज़ किया था इंक्लूड कमांड, ठीक है। तो इंक्लूड कमांड में अब एक फाइल में ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम है abdulwali.php, जो कि ये बेसिकली वहाँ पर नहीं है, ये फ़ाइल हमारे डायरेक्टरी में ये नहीं है। तो यकीनी बात है कि ये एरर देगा, लाजमी बात है। जब मैं सेव कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, यकीनी बात है कि ये एरर देगा, क्योंकि ये पेज जो है abdulwali.php मुझे भी पता है और आपको भी पता है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा इस फोल्डर के अंदर, तो ये ओपन नहीं हो सकता। तो इसलिए लाजमी बात है ये एरर देगा। तो अब हम जाते हैं और इस पेज को जब रिफ्रेश करेंगे हम, तो यहाँ पर ये एरर दे देगा, ठीक है जी, कि ये पलाना पलाना ये जो है अपना अब्दुलवली नहीं है, और ये मतलब है कि इसको वहाँ पर ये फाइल नहीं मिली। तो इस मैसेज की जगह हम अपना जो है एक कस्टम एरर जो है वो बना सकते हैं, कस्टम एरर का फंक्शन बना सकते हैं। सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा और डाई, ठीक है जी, और डाई के अंदर जो है हमें अपना मैसेज लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर फाइल नहीं हुई, फाइल इंक्लूड नहीं हुई, तो सिंपली ये वाला हमारा साफ सुथरा सा मैसेज जो है वहाँ पर डिस्प्ले करूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि फाइल वॉज नॉट इंक्लूडेड, देयर वॉज एन एरर, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव करें, अब यहाँ पर आ जाए, रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर स्टिल वही एरर आ रहा है, और डाई फाइल वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दैट इन दिस, एनीवेज फाइल वॉज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड वन, हो सकता है इसकी इस फंक्शन के ऊपर ये काम नहीं कर रहा, लेकिन हम किसी और को वो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर हमने जो पीएचपी मेल फंक्शन लूप्स बेसिक अराइज, हम यहाँ पर जो है एक सर्वर लिख देते हैं, ठीक है, और इसमें ऐसे कोई गलत कुछ लिख देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो इसने ये दे दिया, हाय हाय मामा दे रोलेस टू सेव, ये देखो फाइल वाज नॉट इंक्लूडेड देयर वाज एन एरर। तो ये हमारा मैसेज यहाँ पर आ गया, लेकिन बहरहाल ये जो एरर हैंडलिंग है ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह MySQL आई के अंदर जो है वंस अगेन एक बार फिर बताऊंगा। यहाँ पर अब मेरे जहन में काम नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा कि मैं कौन कौन से PHP के फंक्शंस और कमांड्स के ऊपर आपको ये वो करके दूँ, लेकिन यह है कि मैं लाजमी तौर पर आपको जब अभी एक दो क्लासेस के बाद, यानी कि इमेज अपलोड और स्पेशल कमांड्स के बाद, मैं आपको ये नेक्स्ट यहाँ पर MySQL के सेक्शन में हम आएंगे,
तो वहाँ पर ये मैं आपको लाजमी जो है दोबारा चेक करके दूंगा, ठीक है? स्टे ट्यून्ड।